उड़ीसा के बालासोर में तीन ट्रेनों के टकराने की वजह से हुए हादसे में अब तक 233 लोगों की जान जाने की खबर है, वहीं करीब 900 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवानों को राहत बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार सुबह भी घटना स्थल से शवों को निकालने का काम जारी रहा। इस हादसे को लेकर उड़ीसा सरकार ने एक दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को ही उड़ीसा में घटना स्थल का दौरा कर सकती हैं। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरों में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है।